गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपना 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज फोर्स। हम लोगों ने देखा फोर्स क्या होता है, पुश या पुल होता है जो आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है, साइज या शेप को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। वी कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन द प्लेग्राउंड। द चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग डिफरेंट राइड्स इन द प्लेग्राउंड। दे आर अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट इज द चाइल्ड इज पुशिंग हर बॉडी टू स्लाइड। जब तक आप अपनी बॉडी को पुश नहीं करोगे तब तक आप स्लाइड नहीं कर पाओगे। द बॉय इज अप्लाइंग फोर्स टू द पैडल्स एंड राइड द बाइसिकल। बाइसिकल राइड करने के लिए पैडल्स को क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। द चिल्ड्रन ऑन द सीसा आर पुलिंग एंड पुशिंग देयर बॉडीज टू मूव अप एंड डाउन। तो सीसा के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी को पुश और पुल दोनों करते हैं। बॉल को क्या करते हैं, हम लोग पुश करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स दैट एक्ट इन अवर सराउंडिंग्स एंड इन डेली लाइफ। सम टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, व्हाइल अदर टाइप्स ऑफ फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तब भी फोर्स अप्लाई होता है, और कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कुछ डिस्टेंस पे होते हैं तो भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। देखिए, जैसे टाइप्स ऑफ फोर्स ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और बायंट फोर्स। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो हमारे कौन से फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। ओके, मस्कुलर फोर्स, अ फोर्स अप्लाइड यूजिंग पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाइक आर्म्स एंड लेग्स इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स। अब हमारी बॉडी में क्या होती है, मसल्स होती हैं, तभी इसको क्या कहा गया है, मस्कुलर फोर्स कहा गया है। तो ये फोर्स हमारा क्या होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स से अप्लाई किया जाता है, आर्म्स और लेग्स से। हमारे बॉडी पार्ट से फोर्स अप्लाई किया जाता है वो हमारा कौन सा फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। अवर मसल्स वर्क टूगेदर एंड अप्लाई द मस्कुलर फोर्स। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को उठाना या उसको खींचना क्या होता है, हमारा एक मस्कुलर फोर्स है। डोर ओपन करना है या टॉवल्स को ट्विस्ट करते हैं, इस तरह के हमारे क्या हैं, मस्कुलर फोर्स होते हैं। इसमें हम किसका यूज करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स का। जैसे मसल्स हेल्प टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं। किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना, देखो जैसे इसने बैग उठाया हुआ है तो वहां पर भी हमारा कौन सा फोर्स यूज होगा, मस्कुलर फोर्स। दूसरा क्या है, ड्रॉअर को हमने ओपन किया, ठीक है, तो वहां पर भी हमारा कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज ईजी टू स्केट ऑन दिस रोड देन अवर अनइवन सोसाइटी प्लेग्राउंड, येट येस इट इज स्मूथर देन द प्लेग्राउंड, हियर फ्रिक्शन इज लेस टू अपोज अवर मोशन। अब जो ये रोड है ये क्या है, स्मूथ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्केटिंग करना ईजी है। जहां पर आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मतलब फ्रिक्शन का मतलब क्या है, अगर सरफेस रफ है वहां पर क्या होगा, आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। देखो अगर यहाँ पे रोड स्मूथ है तो यहाँ पे स्केटिंग करना इजी है, बिकॉज द सर्फेस इज स्मूथ एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज लेस हियर। ओके, नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज द मोशन व्हेन टू सर्फेसेज आर इन कॉन्टेक्ट। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तब। और दूसरा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, मान लो आपका यहाँ पर क्या है, स्केट और प्लेग्राउंड रोड जो है दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर यहाँ पे रफ सरफेस होता, ठीक है, रफ सरफेस होता तो वो रफ सरफेस क्या है, स्केट्स को अपोज करता। तो हमेशा जो आपका फ्रिक्शन फोर्स, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है, ठीक है, या तो उसको स्लो कर देगा या फिर उसको स्टॉप कर देगा ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन कैन स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट एज इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन कैरम कॉइंस आर पुश्ड ऑन द बोर्ड, अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द कैरम बोर्ड एंड कॉइंस। दिस फोर्स स्लोज डाउन द कॉइन अंटिल इट स्टॉप। तो कैरम बोर्ड पे जो हमारे कॉइंस होते हैं, और कैरम जो बोर्ड होता है कॉइंस होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। अगर हम
कैरम बोर्ड का सर्फेस समटाइम्स हमारा क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, तो हम उस पर क्या डाल देते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर डाल देते हैं, जिससे वो सर्फेस क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। तो पाउडर डालने से सर्फेस स्लिपरी हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर हम पाउडर नहीं डालेंगे तो वहाँ पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है। समटाइम्स हमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा चाहिए होता है ताकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टॉप हो सके या फिर उसका मोशन जो स्लो हो सके। बट समटाइम्स वी नीड अ स्लिपरी सर्फेस, जैसे कैरम बोर्ड पे हमें क्या चाहिए था, स्लिपरी सर्फेस चाहिए था। स्केटिंग के लिए हमें क्या चाहिए था, स्लिपरी सर्फेस चाहिए था। अब देखो टाइल्स पे मूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द कार्पेट। ठीक है, फ्रिक्शन अफेक्ट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट सर्फेसिस, देयर इज मोर फ्रिक्शन बिटवीन रफ सर्फेसिस देन बिटवीन स्मूथ वंस। ए बॉल मूव्स फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस ऑन ए रफ सर्फेस बट फॉर ए कंपेरेटिवली लार्जर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन ए स्मूथ सर्फेस। तो जो बॉल है वो स्मूथर सर्फेस पे ज्यादा दूर तक जाएगी, लेकिन रफ सर्फेस पे थोड़ी सी देर के बाद ही रुक जाएगी। When there is a greater friction between an object and a surface, a greater force is required to move the object. अगर friction ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा force apply करना पड़ेगा उस object को move करने के लिए। ठीक है, कभी भी आप देखना कि जैसे मान लो chair है, उसको आप smooth surface पे चलाओगे तो आपको कम force apply करना पड़ेगा, efforts कम लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उस chair मान लो grass में या फिर road पे अगर उसको move करोगे तो आपको क्या है, फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर सरफेस क्या है, रफ है एज कंपेयर टू द फ्लोर ऑफ योर हाउस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।